नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है, आप अपनी जगह में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में जो भी सामान बेचते हैं, वो सामान आपको कहाँ, किस दिशा में रखना चाहिए। कौन से वाला सामान? जो सामान आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिस सामान से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, या जो सामान आपका सबसे ज़्यादा सेल होता है, उस सामान को आपने कहाँ, किस दिशा में रखना चाहिए। मान लीजिए आपने अपनी दुकान में जो सामान रखा है और वो सामान ऐसा है कि बहुत जल्दी करके सेल होता है और आपके यहाँ सेल नहीं हो रहा, तो आप अपनी दुकान में नोटिस कीजिएगा कि आपने वो सामान कहाँ रखा है। जो सामान आपके यहाँ प्रॉफिटेबल है और सबसे ज़्यादा बिकता है और वो सामान आपका सेल नहीं हो रहा, तो आप उस सामान को कहाँ रखें जिससे कि आपका सामान बहुत जल्दी करके सेल हो जाए। उस सामान को हमेशा ही नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ के जोन में, इस दिशा में आप अपना सामान रखेंगे जिस सामान से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो सामान आप यहाँ इस दिशा में रखें, तो आपका वो सामान बहुत जल्दी करके सेल हो जाएगा, उसकी बिक्री जल्दी करके बढ़ जाएगी। आप नोटिस कीजिएगा, जो सामान आपकी दुकान के अंदर नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य कोने में रखा है, वो सामान आपका बहुत जल्दी करके सेल हो जाता है। आपकी दुकान की फेसिंग चाहे कोई भी हो, आप अपनी दुकान के अंदर नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोने में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ यानी उत्तर दिशा तक आप यहाँ पर सामान रखेंगे, तो आपका सामान बहुत जल्दी करके सेल हो जाएगा और वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देकर जाएगा। क्योंकि जब मैं साइट विजिट पर जाता हूँ, शोरूम की विजिट करता हूँ, दुकान की विजिट करता हूँ, तो समझ आता है नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ माल हमेशा ही जल्दी करके सेल होता है। और आप दुकानदार हैं तो आप भी नोटिस कीजिएगा, आपके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोने में सामान रखा है, वो सामान आपका बहुत जल्दी करके सेल हो जाता है। हाँ, कुछ जगह ये भी देखने में आता है कि नॉर्थ वेस्ट में सामान तो रखा है लेकिन वो सामान हिलता ही नहीं है। पूरी दुकान का सामान, हर दिशा में जो सामान रखा है उसके मुकाबले नॉर्थ वेस्ट में यानी वायव्य कोने में आपने हद से ज़्यादा सामान रखा हुआ है, तो भी वहाँ पर सेल ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर तो आप अपना लिमिटेड माल रखे जो कि जल्दी करके सेल हो जाए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में आपने स्टोर नहीं बनाना, आपने अपने यहाँ नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा सामान भर के नहीं रखना है। यहाँ पर लिमिटेड सामान रखे, जब वो सामान सेल हो जाए तो दूसरी जगह से सामान निकाला और फिर वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में रख दिया। ऐसा करने से आपकी दुकान में सेल भी अच्छी होगी, आपका माल भी जल्दी करके बिकेगा। जो माल आपके यहाँ डंप पड़ा हुआ है, वो सामान भी नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोने में रखते हैं, तो वो माल भी आपका बिकना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है, आप अपनी दुकान में शोरूम में जो भी सामान बेचते हैं, वो सामान आप नॉर्थ वेस्ट जोन में रखेंगे, तो वहाँ की मूवमेंट सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दुकान के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा, माल नहीं बिक रहा, तो क्यों नहीं बिक रहा, क्या कारण है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर मैं एक नए विषय पर चर्चा करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।